कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट। तो दो सोर्सेज कोहरेंट तब कहे जाते हैं जब वो कॉन्टिन्यूस लाइट वेव निकालते हैं जिनकी दोनों की वेवलेंथ सेम होती है, फ्रिक्वेंसी सेम होती है, एंड सेम फेज में होते हैं और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस में होते हैं, उसको कोहरेंट बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड तो समझ में आती है, सेम है। ये कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस समझ में नहीं आया क्या है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि स्क्रीन के ऊपर फाई तो चेंज होता है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है। देखो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, इमेजिन करो आपके पास दो सोर्स हैं, ठीक है, और ये पी पॉइंट है। देखो मैं पी पॉइंट को चेंज नहीं करूँगा। हो क्या रहा था, पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, अच्छी भली ये दो वेव है और ये तीन वेव है, कंस्ट्रक्टिव हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो वेव है और यहाँ पर जो वेव आइडेंटिकल है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्टिव हो रही है, बात खत्म। पर मेरे को पता लगा कि मेरा सोर्स ही खराब है, ये कोहरेंट है ही नहीं। अब ये क्या कर रहा है, कभी तीन वेव निकाल रहा है, और मैंने थोड़ी देर बाद देखा यहाँ पर 3.5 वेव निकाल के बैठा है उसी जगह पे, मैंने पॉइंट भी चेंज नहीं किया। फिर मैंने देखा 6 वेव निकाल के बैठा है, यानी कि अंदर फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, तो यानी कि ये सोर्स कोहरेंट नहीं है। तो इसलिए फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए फॉर अ गिवन पॉइंट। अगर ये चेंज हो रहा है फेज डिफरेंस, इसका मतलब ये सोर्सेज कोहरेंट नहीं हो सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? तो आइडेंटिकल वेव निकलेंगी तो पी पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा। अगर वेव की फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, पता लगे पी पॉइंट पर थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्टिव था, कुछ देर के बाद देखा वो डिस्ट्रक्टिव ही हो गया, कि वेव चेंज हो गई, फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिकल वेव्स हैं और चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है, तो वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, ये याद रखना है।